हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा हुआ यूलिसस जो फेमस पोइम है उसको स्टडी करते हैं। यूलिसस पोइम उन्होंने कंपोज की थी अक्टूबर 1833 को और पब्लिश करवाया था 1842 को इन हिज वेल रिसीव्ड सेकंड वॉल्यूम ऑफ पोइट्री। इट इज़ ए ड्रामेटिक मोनोलॉग इन ब्लैक वर्स। Tennyson tells her that there is more about himself in Ulysses. While writing this poem, he had in his mind both Homer's Odyssey and Dante's Divine Comedy. Tennyson has translated the Ulysses May into Victorian idol of heroism. The Ulysses myth sees Ulysses as one of the wisest Greek warriors who fought against gods, giants and men for 20 years. Facing old age, mythical hero Ulysses described as discontent and restless upon returning to his kingdom Ithaca. तो इस में पोइम में पूरी की तरह पोइट यूलिसस के बारे में बताया जाता है कि क्या जब यूलिसस युद्ध से लौट जाता है तो वो किस तरह के अपने यहाँ पर फील करता है, उसके किस तरह के पास्ट में एडवेंचर हुए थे, करंट में वो क्या चाहता है, इन सभी चीज़ों को पोइम में डिस्क्राइब किया है, पोइम में बताया गया है। ये पोइम ड्रामेटिक मोनोलॉग में है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में इसलिए है क्योंकि इसको ही स्पीकर जो हमारे यूलिसस है वो स्पीक करता है और लिसनर की तरफ से हमें किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं आता है। ठीक है, अब हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग बाय दिस स्टिल हार्ट अमंग दिस वेरन क्रैक्स मैच विद एन एज्ड वाइफ आई मीट एंड डोल अनयूकल लॉस अंटो ए सेबिज रेस दैट हॉ एंड स्लीप एंड फीड एंड नॉ नॉट टू मी। तो यहाँ पर जो पोएट है वो बोल रहा है कि इट लिटिल प्रॉफिट है That an idle king कि एक अगर राजा idle का मतलब होता आलस बन कर रहे तो उससे इस चीज़ का कोई लाभ नहीं होने वाला, मतलब it is of no good, इसका कोई मतलब नहीं है कि कोई राजा कि अकेला कुछ काम ना करे और बस बैठा रहे तो इससे उसको कोई लाभ नहीं होने वाला और ना ही वह किसी को कोई लाभ देने वाला। एक्चुअली में जो यूलिसस है आपका इथाका का किंग होता है, एक आइलैंड है और ये ग्रेशियन जो जितने भी लीडर्स रहे थे उनका सबसे वाइजेस्ट एंड मोस्ट कैपेबल इसको माना गया है। इन्होंने अपनी लाइफ में कई सारी डिफ़िकल्टीज फेस की है, तब 20 इयर्स के कई सारे ये युद्ध बैटल्स लड़ने के बाद में अपने घर लौटते हैं और अपनी वाइफ पेनापोल और इसके बेटे टेलेमस जिसके बारे में आगे बात होगी उसको डिस्कस भी किया जाएगा। बट अब इस समय जब वो उसकी जो अनएडवेंचरस जो नेचर है उसकी लाइफ का जो उसके घर है तो वो उसे अच्छी नहीं लग रही, वो चाहता है फिर से उसी सी पे और अपने एडवेंचरफुल लाइफ में जीना चाहता है। और इस पोइम में एक रिटायरमेंट लाइफ के बारे में बताया है और एक किस तरह से एक अगर कोई वॉरियर है बहादुर है तो वो किस तरह से फ्री नहीं बैठ सकता, तो उस चीज़ को भी इस पोइम में बताया गया है। तो इट लिटिल प्रॉफिट, ये बहुत कम इसे लाभ है कि दैट इन आइडल क्योंकि एक राजा आलसी होकर बैठा रहे। बाय दिस स्टिल हार्थ अमोंग दीज वेरन क्रैक्स बाय दिस स्टिल हार्थ, स्टिल हार्थ का मतलब है यहाँ पर स्टिल हर्थ का मतलब है, वैसे हर्थ का मतलब चूल्हा होता है लेकिन हर्थ का मतलब है जो ज्वाला है जो टेनिसन के अंदर चल रही है, जो यूलिसिस के अंदर चल रही है, तो उस ज्वाला की यहाँ पर बात की जा रही है कि वो चाहता है कि उसकी जो लाइफ है बाय दिस स्टिल हर्थ जो उसकी शांत और जो ग्रस्त लाइफ है उसमें वो एक एडवेंचर चाहता है। अमोंग दीज वेरन क्रैक्स मैच विद एन एज्ड वाइफ और वो बैठा हुआ बैरन क्रैक्स चट्टानों के ऊपर, बैरन क्रैक्स का मतलब है जो बंजर चट्टानें हैं उनके ऊपर वो बैठा हुआ है और अपनी वाइफ जो कि ओल्ड एज हो चुकी है, यहाँ पर यूलिसिस की भी ओल्ड एज हो चुकी है और उसकी वाइफ की भी ओल्ड एज हो चुकी, तो दोनों एक जगह पर बैठे और उन्होंने वहाँ पर अर्थ आग चूल्हा जला रखा है, वो उसके चारों तरफ बैठे हैं लेकिन यहाँ पर चूल्हा
का मतलब है कि शांत होने के बावजूद भी यूलिसिस के हार्ट से में से एडवेंचर की जो हंगरी है, जो उसकी लॉन्गिंग है, वहाँ को यहाँ पर हर्थ के फॉर्म में पोइट ने दिखाया है। ठीक है, आई मीट एंड डोल अनयूक्वल लॉस अन टू ए सेवेजनेस। आई मीट एंड डोल, यहाँ पर जो पोइट बोल रहा है कि मैं पूरी तरह से सोच विचार करके, पूरी तरह से माइन्यूट होकर के, म्यूट और डोल का मतलब है पूरी तरह से सोच विचार करके, अनयूक्वल लॉस असमान नियम बनाता हूँ ऑन टू ए सेवेज रेस, इस असभ्य जाति के लिए। यहाँ पर वो असमान लॉस क्यों बना रहे, एक्चुअली में उसको उनके छोटे झगड़े होते हैं, उनकी जो लाइफ होती है उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, वो तो एडवेंचर्स और वॉर्स के लिए ही जाना जाता है और उसको चाहता है कि वह यही काम करते रहे, बल्कि उसके उनके छोटे छोटे झगड़ों के लिए लॉ बनाना बेकार लगता है और वो और अपने आप को वो चाहता है कि ये काम एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है, बल्कि उसका काम है कि एडवेंचर फुल लाइफ को जीना है। तो यहाँ पर इसलिए वो अनइक्वल लॉज विथ सेवेज रेस यूज़ करता है पोइट। दैट हॉट एंड स्लीप एंड फीड एंड नो नॉट मी, दैट हॉट वो क्या कर लेते हैं, होड कर लेते हैं। होड का मतलब है यहाँ पर वो एक तरह से इकट्ठा कर लेते हैं अपना धन को, अपने जितने भी उनके पास में पैसे होते हैं वो उनको इकट्ठा कर लेते हैं। एंड स्लीप, उनका काम सोने का होता है, एंड फीड, और उनका काम खाने का होता है। एंड नो नॉट टू मी, और मैं कौन हूँ इस चीज़ को वो नहीं जानते हैं, कि उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं कि मैं कौन हूँ और मैंने क्या किया है। आई कांट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, यहाँ पर वो पोइट थोड़ा सा रुकता है और कॉलन यूज़ कर रहा है। इसका मतलब है कि मैं इस यात्रा करने के बिना नहीं रुक सकता, मैं बिना यात्रा किए मैं आराम नहीं कर सकता। आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, मैं तो जिंदगी की सारी लीज मतलब बूंदों को पीना चाहता हूँ, मैं तो लाइफ की अंतिम बूंद तक को भी पीना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छी लाइन्स लग रही है, बहुत अच्छी वो है, इम्पॉर्टेंट लाइन भी है। ऑल टाइम्स आई हैव इन्जॉयड ग्रेटली, मैंने अनेक बार बहुत अच्छे से इन्जॉय किया। सो हैव सफर्ड ग्रेटली, और अपनी जो पेन मिले मुझे लाइफ में, जो दुख मिले उनको भी मैंने बहुत अच्छे से महसूस किया उनको। बहुत विथ दोज दैट लव्ड मी, बहुत विथ दोज दैट लव्ड मी, और वो लोग उन लोगों के साथ में, ऐसे दोनों तरह के लोग थे, एक तो उन लोगों के साथ में भी जो लोग मुझे प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उन लोगों के साथ में मैंने अपनी लाइफ को, अपने जो वॉर्स लड़े थे उनको इंजॉय किया था, और उन लोगों के साथ में मैंने पेन को भी फील किया था। कभी कभी मैंने अकेला एंड शोर, कभी तट पर बैठकर भी मैंने अकेले इन चीज़ों को, इस खुशी को महसूस किया। एंड वहन तो स्कंडिंग ड्रिफ्ट द रेनी हाइडेंस वैक्स द डिम्सी, यहाँ पर पोइट बोल रहा है वहन जब थ्रू स्कंडिंग ड्रिफ्ट, इसका मतलब है तेज अफा, जो इसका पूरे का इस सेंटेंस का मतलब है कि जब पूरा एटमॉस्फेयर क्लाउड से क्या हो जाता है, आकाश में बादल चल रहे हैं, स्कंडिंग ड्रिफ्ट दिन, और वो क्या कहते हैं जो हेडस है, वो जो तारों का समूह होता है, जब अगर आकाश में ये होता है तो उससे इंडिकेट लगा देते थे वेस्टर्न लोग कि बारिश होगी, तो जब ये हेडस जो तारों का समूह में देख लेता था और वो तेज बारिश का संकेत देता था, या फिर ड्रिफ्ट, ये वर्ड है स्किनिंग ड्रिफ्ट, इसका मतलब है बादल चल रहे हैं और वो किसका संकेत दे रहे हैं कि बारिश होने वाली है, उन चीज़ों में भी, और उनकी वजह से वेक्स्ट वो विचलित कर देते थे द डिम्सी, और जब पूरे आकाश में बादल छा जाते थे तो वो सी के ऊपर भी बादल हो जाते थे, इससे पूरा एटमोसफेयर डार्क में चला जाता था, थोड़ा डिम हो जाता था। तो ऐसी सिचुएशन में भी अगर मैं सी के पास में मौजूद होता था तब भी मैं नहीं घबराता था, नहीं डरता था। आई एम बिकम ए नेम, मैं आज एक नाम हूँ और मुझे यूलिसिस के नाम से ही लोग जानते हैं। मैं अने अपनी एडवेंचर, अपनी ब्रेवरी की वजह से अपना एक नाम दुनिया में क्रिएट किया है। तो यहाँ पर यूलिसिस अपनी खुद की एक तरह से हम बड़ाई बोल सकते हैं, या फिर इस तरह से इसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखा है, तो इसमें अब एक कैरेक्टर के माध्यम से हम उसकी मेन जो जब स्पीक करता है तो उसकी जो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जो भी उसकी क्वालिटीज़ होते हैं, उनको हम अंडरस्टूड कर लेते हैं। फॉर ऑलवेज रोमिंग विद हंगरी हार्ट मच हैव आई सीन एंड नोन,
फॉर ऑलवेज रोमिंग, मेरा तो वो हृदय है, रोमिंग मतलब होता है घूमना, मेरा तो वो हृदय है जिसके लिए मैं एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता रहता हूँ। मुझे तो जीवन में और चीज़ें तलाशना है, और चीज़ों की खोज करने, कहने का मतलब है कि अगर यूलिसस इस जगह पर बैठा है और वो कोई काम या कोई एडवेंचर नहीं कर रहा तो वो अपने आप को रेस्टलेस फील कर रहा है कि वो बेचैन है क्योंकि वो कुछ काम नहीं कर रहा है, उसका हार्ट है वो हंग्री है क्योंकि उसे तो बहुत सारी चीज़ें खोज करनी है, नए नए कंट्रीज़ को वॉन करना है। मच हैव आई सीन एंड नोन, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और जानी भी हैं। सिटीज़ ऑफ मैन, बहुत सारे शहरों के लोग देखे हैं, एंड मैनर्स, उनके तरीक़ों को देखा है, क्लाइमेट्स, जलवायु देखिए, काउंसिल्स देखिए, गवर्नमेंट देखिए, माई सेल्फ नॉट लीस्ट, लेकिन मैं भी खुद भी उन्होंने मुझे खुद को कभी भी कम नहीं माना। लीस्ट का मतलब उन्होंने मुझे कभी भी कम नहीं आका, बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल, सभी लोगों ने मुझे बहुत सम्मान दिया मेरी ब्रेवरी, मेरी एडवेंचर के लिए। एंड ड्रिंक लाइट ऑफ बैटल विथ माई पीयर्स, और मैंने जो युद्ध जीतने की खुशी होती है उसको पिया विथ माई पीयर्स, मेरे जैसे पीयर्स मतलब मेरे जैसे बहादुर साथियों के साथ में, जब मैं युद्ध लड़ता हूँ, पीयर्स मतलब साथी, जब उनके साथ में मैं युद्ध लड़ता हूँ तब जाके मुझे एक अलग सा सुकून मिलता है, एक अलग से खुशी मिलती है। फार ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय, तो यहाँ पर पोइट बोल रहा है, वो स्पीकर्स बोल रहा है कि जो दूर, फॉर मतलब जो दूर है, रिंगिंग जो गूंज सुनाई दे रही है, रिंगिंग का मतलब यहाँ पर एक तरह से इको है कि गूंज, इको गूंज जो सुनाई दे रही है, ठीक है, ट्रॉय जो दूर, जो ट्रॉय का युद्ध का मैदान है, उस मैदान में मुझे आज भी उस युद्ध की गूंज सुनाई दे रही है, जो युद्ध मैंने लड़ा होता तो उन साथियों के साथ में लड़ा था जो मेरे जैसे बहादुर थे। आई एम ए पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट, मैं तो उन सभी चीज़ों का एक हिस्सा बन जाता हूँ जिन चीज़ों से मैं मिलता हूँ। तो यहाँ पर यूलिसिस अपनी इस टाइम बैठ के, अपने प्रेजेंट टाइम में बैठकर अपने पास्ट के एडवेंचरों के बारे में हमें बताता है इस पोएम में। देखो, ये हर्थ चूल्हा हो गया, वेरन क्रेक्स का मतलब होता है बंजर चट्टाने हैं, मीट एंड डोल का मतलब होता है बहुत सोच समझकर किसी चीज़ को, ये फ्रेजेस की तरह है, किसी चीज़ पर विचार विमर्श करना, हो का मतलब है पैसे जमा करना, ठीक है, लीज का मतलब होता है अंतिम बूंद तक, इसके अलावा है स्कंडिंग ड्रिफ्ट, स्कंडिंग ड्रिफ्ट जिसका मतलब है उड़ते हुए बादल, एंड हेडेस का मतलब है, हाइडेस का मतलब है हेड्स बोलते हैं इसको, जो तारा समूह बारिश करवाते हैं। तो यहाँ पर जो क्लाउड्स मूव्स करते हैं स्काई में, उनके लिए ये मीनिंग वर्ड यूज हुआ, जबकि ये तारों का समूह होता है, टिम अंधेरा होता है, रोमिंग इधर उधर घूमना, इस तरह से ये आपकी पोएम थी। थैंक यू वेरी मच।